400 स्क्वायर यार्ड हाउस डिजाइन विद पूल एंड बहुत ही शानदार लोकेशन और शानदार व्यूज के साथ। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स, अब ये जो घर है 43/86 तकरीबन 416 गज 400 स्क्वायर यार्ड हाउस डिजाइन विद पूल। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका जो हमारा ड्राइंग रूम है वो हैंगिंग ड्राइंग रूम है। हैंगिंग ड्राइंग रूम आप जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर किस तरीके से हैंगिंग ड्राइंग रूम होता है। अभी इसको 43 फुट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया, तकरीबन हमारा 25 फुट का ये एरिया, 23 फुट ये एरिया, तो बहुत ही शानदार। इसमें हमने प्रॉपर गार्डन एरिया डिज़ाइन बना रखा है, गार्डन के अंदर आपका प्रॉपर मेंटेन गार्डन। और ये 400 गज का हाउस डिज़ाइन विद बी रोड के अंदर न्यू पंचकुला साइड लोकेशन में है। और यहाँ पर भी हमारा ये जो एरिया 25 फुट लंबा एरिया, यहाँ पर भी अच्छा काम किया हमने टाइलिंग का, जो बहुत ही शानदार टाइलिंग, लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है। और अच्छा 7 फुट का पिलर्स हैं, उसके ऊपर हमने लाइटिंग का इस्तेमाल किया। इसके साथ भी हमने प्रॉपर 6 फुट का ये मेन गेट है हमारा, 6 फुट का गेट, इसके अंदर स्टील रेलिंग का वर्क और बहुत ही शानदार WPC का काम। और इसकी यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया। जो भी चीज़ें आप इस घर के अंदर देखेंगे वो एजिटेशन की बात करते हो, फ्रंट एलिवेशन बहुत ही शानदार इसकी फ्रंट एलिवेशन है। इसके अंदर हमारा प्रॉपर लाइट ब्राउन का टाइलिंग का वर्क है और वाइट का अच्छा मल्गमेशन किया टफ एंड ग्लास के साथ। बहुत ही शानदार गार्डन, फुली मेंटेन्ड गार्डन आपको मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ आप देखिए पहले इसकी एरियाज़ को, फिर हम चलेंगे इसकी फ्रंट एलिवेशन को देख रहे हैं। देखिए इसका मेंटेन्ड गार्डन की व्यूज़, अभी जो हमारा मेन गेट है यहाँ पर हमारा एक छोटा सा विकेट गेट है जो कि 2 फुट चौड़ाई में और 8 फुट लंबा ये मेन गेट है। तो यहाँ पर प्रॉपर ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ ऐसे ही मिलेगा। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ही शानदार, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर प्रॉपर टफ एंड ग्लास है, पूरा का पूरा आपके फ्रंट पे टफ एंड ग्लास दिख रहा है आपके ड्राइंग रूम को। और ये बहुत ही शानदार, इसमें वाइट का अच्छा मल्गमेशन है, आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश या फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15 फुट की चौड़ाई में और 43 फुट लंबा एरिया, यहाँ पर हमने अच्छा काम किया। ये यहाँ पर से हमारी एक स्टेयर्स जा रही है जो कि हमारी बेसमेंट को स्टेयर्स जा रही हैं। और बहुत ही शानदार, मैं आपको जो बता रहा था कि हैंगिंग जो ये हमारा ड्राइंग रूम है वो ये हैंगिंग ड्राइंग रूम है। बेसिकली आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हैंगिंग है। यहाँ पर भी अच्छा हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया है, ये प्रॉपर ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार वर्क है हमारे 2 स्टेप्स के साथ, यहाँ पे अमेजिंग वर्क्स के साथ। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा गार्डन है, जो छोटा सा गार्डन में इसकी डिमेंशन तकरीबन 12x15 का बहुत ही शानदार एरिया। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग आपका प्रॉपर मेंटेन्ड गार्डन है, वो वहाँ पर वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है जो कि हमारा स्विमिंग पूल का वाटर सॉफ्टनर है। और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमारे मेन गेट का, जो ये हमारा ड्राइंग रूम है प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ उनकी मेन लुक में, और अच्छा टाइलिंग का इस्तेमाल, बहुत ही शानदार हमारा ये फ्रंट एरिया। और यहाँ पर हमारी 2 गाड़ियाँ हमारी वरम एरिया में और 3 गाड़ियाँ अंदर पार्क हो सकती हैं, 1 गाड़ी अभी भी पार्क है, तब भी आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नज़र आ रही है। तो बहुत ही शानदार वर्क्स में एज इट इज मिल सकता है, आप देखिए इसको। फ्रेंड्स, आपने देखे इसके पॉश एरिया के व्यूज़, यहाँ पर 2 स्टेप से हमारा यहाँ पर मेन एरियाज आते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हमारा मेन गेट है, ये तकरीबन 5 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा गेट है, और बहुत ही शानदार एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ पर हमारा प्रॉपर मैश विंडो का काम है, मैश डोर का काम है। इसके साथ ही बहुत ही शानदार हमारा मेन डोर है, मतलब प्रॉपर टीक वुड के अंदर कितना शानदार आपको गेट, ऐसा गेट आपने कभी नहीं दिखा होगा तकरीबन 5 फुट की चौड़ाई में। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। फ्रेंड्स, जब आ गए इस घर के अंदर, जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल वॉव फैक्टर, क्या ज़बरदस्त घर है। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आइलैंड टाइप होम है, कि यहाँ पर देखिए राइट साइड पे आपके प्रॉपर एक शॉवर एरिया है, आप घर में बैठे हुए हैं घर के अंदर एक शॉवर एरिया है। एंटर पे यहाँ पर भी एक डबल हाइट छत है,
देखिए कितनी शानदार डबल हाइट छत है, मतलब ओपननेस दे रहा है। सिमिलरली जैसे ही हम इस आइलैंड के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको डबल हाइट छत दिखेगी, तो बहुत ही शानदार आपको शायद इस कैमरे में भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये स्लांटिंग वे में प्रॉपर छत बनी हुई है, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे एक आइलैंड है, सेकंड आइलैंड और थर्ड आइलैंड, आइलैंड टाइप होम और बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ। और यहाँ पर इसका बेस्ट पार्ट है, जैसे ही मैं मिडल ऑफ द घर के बीच में खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा नक्शा समझा देता हूँ। बैक साइड पे आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ से आपकी इंटरनल स्टेयर्स जा रही हैं, लेफ्ट बैक साइड पे आपकी आ जाती है लिफ्ट, ये आपका ड्राइंग रूम एरिया, ये आपका ओपन टू स्काई एरिया जिसमें हमने बहुत ही शानदार एरियाज बना रखे हैं, जहाँ पे हमारा फाउंटेन एरिया, उसके बैक साइड में आपका फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम उधर, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। और ये बेस्ट पार्ट क्या है इसकी, कि यहाँ पर आपका फाउंटेन चल रहा है, जो आपके फ्रंट जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था उसके साथ ही फाउंटेन एरिया, अमेजिंग फाउंटेन एरिया के साथ एज इट इज़ मिलेगा। और यहाँ से भी ये शॉवरिंग एरिया, रात को उसका नज़ारा ही अलग है, हम दिन में शूट करेंगे लेकिन रात का नज़ारा अलग ही आएगा इसका, अमेजिंग वर्क्स के साथ आप देखिए। घर के अंदर एंटर करते ही हमारा फायर एरिया, इसमें हमने प्रॉपर वुडन ल्यूवर्स का काम किया हुआ, उसके अंदर वाइट लाइटिंग का वर्क है और बहुत ही शानदार यहाँ पे टफ एंड ग्लास के साथ हमारा ओपननेस के साथ हमारा ड्राइंग रूम है। जो भी चीज़ें आपको इस घर में दिख रही हैं वो एज इट इज़ मिलेंगी। तो इसकी डिमेंशंस की बात करूँ, तकरीबन 14x20 का ये बहुत ही शानदार हमारा ये ड्राइंग रूम है। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट मैं जो इसे दिखा रहा था, यहाँ से ही आपका स्विमिंग पूल और यहाँ से ही हमारा बहुत ही शानदार एरियाज दिख रहे हैं, जो हमारा कि फाउंटेन एरिया, जो नीचे आपका फाउंटेन चल रहा है उसी का नज़ारा आपको यहाँ से ही आराम से बैठकर मिल जाएगा। तो आपके घर में कोई गेस्ट आए और यहाँ से आपको फाउंटेन एरिया का नज़ारा, क्या शानदार चीज़। और इसके साथ ही बहुत ही शानदार हमारे ये सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, तकरीबन 14 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है यहाँ पे, अपना अच्छा डाइनिंग एरिया है और ये सारे के सारे ओपन है। और ये आइलैंड टाइप हमारा ड्राइंग रूम है बेसिकली, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, सिर्फ एक ही वॉल है इस घर वॉल के अंदर। और यहाँ पर भी अच्छा जो हमारा फ्रंट में एलिवेशन में जो काम दिख रहा था इज इट इज़ दिखेगा। देखिए इस फ्रंट में जो हमारा अच्छा काम किया गया था सारा कुछ, यहाँ पे से स्टेयर्स जा रही है जो कि बेसमेंट की तरफ से जा रही है, जो मैंने आपको दिखाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त घर, मतलब इस घर को दिखाते दिखाते मेरे वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत ही शानदार हमारा ल्यूवर्स का डिज़ाइन है और सारे के सारे आपके एसी की अंदर ही कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इस घर के अंदर वो लगा हुआ है। ये देखिए जो ब्लैक में हमारी पट्टी दिख रही है ना 6 इंची की, इसके अंदर बेसिकली हमारी सारी की सारी एसी की डक्ट है, तो बेसिकली कूलर सिस्टम पूरा का पूरा लगा हुआ। और ये कर्टन है 10 फुट की हाइट में, प्रॉपर एज इट इज़ बैक तक नज़र आ रहे हैं और प्रॉपर कर्टन रॉड छिप रही है, तो बहुत ही शानदार हमारा ये ड्राइंग रूम एरिया और ज़बरदस्त ओपननेस के साथ, यहाँ भी ओपननेस और अमेजिंग वर्क के साथ एज इट इज़ मिल सकता है। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। इसके ड्राइंग रूम के व्यूज़ को अब चलेंगे इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये कॉमन वॉशरूम है, जो पाउडर रूम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सारे के सारे आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स पहले से लगे हुए हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, 4,500 स्क्वायर फीट को कवर करता हुआ हमारा चिलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो आपको एज इट इज़ मिलेगा घर के साथ ही। और यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉमन वॉशरूम है जो कि हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी खुल रहा है, तो बहुत ही शानदार कॉमन वॉशरूम। इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि बैक की तरफ खुल रहा है, तो बहुत ही शानदार इसका फर्स्ट बेडरूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 12x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसके अंदर हमने किंग साइज बेड लगने के बावजूद देखिए कितनी स्पेस है। यहाँ पर भी आपका प्रॉपर कुशनड एरिया, जहाँ पे आपकी कुशंस पड़े हैं दो, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, तो लॉन्ज एरिया के साथ यहाँ पे LED TV यूनिट, प्रॉपर जो भी चीज़ें इसके अंदर घर के अंदर दिख रही है आपको एज इट इज़ मिल सकती हैं। फुली फर्निश्ड हाउस न्यू पंचकूला के अंदर, अच्छा बहुत ही शानदार आजकल का जो सीलिंग डिज़ाइन है उस तरीके का सीलिंग डिज़ाइन का काम है। इसके साथ ही आ जाता है छोटा सा एक वार्डरोब एरिया, जो कि प्रॉपर वार्डरोब्स है इसके अंदर, लैमिनेटेड अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड। और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम जो कि हमने टफ एंड ग्लास के साथ इसका ड्राई और वेट एरिया का प्रॉपर डिफाइनिंग कर रखी है, आप देखिए। साथ ही
कि हमारा एक बैक ओटीएड एरिया और यहाँ पे हमारा ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ भी अच्छा काम किया गया हमारे सीलिंग डिज़ाइन का, तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे बैक में आपका कोर्टयार्ड है जो कि 8x40 का बहुत ही शानदार ये हमारा एरियाज है। हमारी मॉड्यूलर किचन जो कि आइलैंड वाली किचन है, इसमें हमने क्वार्ट्ज मार्बल का अच्छा काम किया गया है और प्रॉपर आइलैंड के साथ जो हमारी चिमनी चल रही है उस तरीके का गैस हॉब का, और सारी की सारी मॉड्यूलर किचन इसमें हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। एज इट इज़ आपको प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स के साथ वाइट किचन एज इट इज़ मिलेगी, आप देखिए। देख लें इसके ग्राउंड एरिया के व्यूज को। यहाँ पर अब जो हमारी बेसमेंट में एक स्टेयर्स जा रही हैं, जिसे हम स्टेयर्स से भी जा सकते हैं या फिर लिफ्ट से भी जा सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी स्टेयर्स के थ्रू। आगे हम इसकी बेसमेंट के अंदर, यहाँ पे आपका एक स्विमिंग पूल एज इट इज मिलेगा। घर के अंदर ही आपका स्विमिंग पूल है स्टील रेलिंग के साथ, बहुत ही शानदार। इसमें टाइलिंग, ये मतलब वाटर इसके अंदर अभी भी लगा हुआ है, देखिए बहुत ही शानदार हमारा स्विमिंग पूल है। 400 स्क्वायर यार्ड का हाउस डिजाइन विद स्विमिंग पूल आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, विद फिल्ड अप, मतलब ऐसा नहीं कि खाली किया हुआ है, तो प्रॉपर फिल्ड अप स्विमिंग पूल है। इसके साथ ही बहुत ही शानदार हमारा एरियाज है। इसके अंदर भी हमने प्रॉपर वुडन लिवर्स के साथ अच्छा काम किया गया है लाइटिंग का, जो हमारे फर्स्ट प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स के साथ। इसके साथ भी अटैच्ड हमारा एरियाज है जहाँ पे आपके फाउंटेन चल रहा है, प्रॉपर फाउंटेन है, और जैसे मैंने बताया था कि ये प्रॉपर फाउंटेन मेंटेन्ड फाउंटेन है, और यहाँ पर आपके टॉप ऑफ द स्काई मतलब ओपन टू स्काई एरियाज हैं। ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही शानदार एरियाज के साथ एज इट इज़ मिल सकता है। और जो वो आपको एरिया दिख रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आइलैंड में ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो वो आइलैंड के टाइप में ड्राइंग रूम है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल वो मतलब लेंटर पाके उसको अलग से ओपन किया गया है, वहाँ से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, सिर्फ एक ही वॉल उसको टच करी है। प्रॉपर आइलैंड टाइप में हमारा ड्राइंग रूम है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बहुत ही शानदार इसका डिज़ाइनिंग किया गया है और अमेजिंग स्ट्रक्चर के साथ एज इट इज़ मिलेगा। और वहाँ से भी जो स्टेयर्स आ रही हैं आपको प्रॉपर एज इट इज़ स्टेयर्स दिखेंगी, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क आप देखिए। एक कॉमन वॉशरूम बनाया गया, आप स्विमिंग पूल से नहा के निकले तो कॉमन वॉशरूम है। इसमें हमने टफ एंड ग्लास के साथ अच्छा टाइलिंग का वर्क किया है और प्रॉपर ओवरहेड तक रखा है, तो बहुत ही शानदार हमारा ये एरियाज हैं। पर एक थोड़ा सा जिम भी कर सकते हैं, तो जिम एरियाज भी बने हुए हैं। यहाँ पे आपका स्टोर है और वहाँ से भी आपकी एंट्री है, और यहाँ से आप चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमने देख लिया था, फर्स्ट फ्लोर थ्रू लिफ्ट जाएंगे हम। इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, कितना शानदार फर्स्ट फ्लोर है, और ये जो बेस्ट पार्ट थी, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आपके नीचे फाउंटेन चल रहे हैं और बहुत ही शानदार व्यूज में एज इट इज़ दिखे। यहाँ से भी आपको प्रॉपर फाउंटेन्स नज़र आएंगे, है ना। और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार हमारा एलिवेशन के जब मतलब जो मैं आइलैंड टाइप बता रहा था कि यहाँ पर डबल स्लैब आपकी यहाँ पर डली हुई है, एक डबल स्लैब यहाँ पर डली हुई है, तीसरी स्लैब हमारी बिल्कुल बेसमेंट से चली हुई है, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर भी कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर आपको, कितना अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। तो क्या अमेजिंग हमारा ऊपर शैंडलियर डिज़ाइन है, क्या आपने एज इट इज़ प्रॉपर। और इसका मैं सबसे बेस्ट पार्ट तो बताना भूल ही गया कि इसके अंदर हमारा जो चिलर लगा हुआ है, मतलब तकरीबन जो पूरे पूरे घर को 4500 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है चिलर, और एक स्टेबलाइजर भी है। और इसके अंदर यहाँ पे कि इसका आपका बिजली का बिल नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर सोलर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, नीचे इटालियन मार्बल का ज़बरदस्त वर्क है, पूरा के पूरे घर में इटालियन मार्बल लगा, कोई सस्ता काम नहीं है। यहाँ पे भी स्टील रेलिंग का बहुत ही शानदार वर्क है, प्रॉपर प्लांट एरिया, मेंटेन्ड एरियाज। अब चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर है। फ्रेंड्स अब आ गए इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ, तकरीबन 14x20 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसमें भी आपका किंग साइड एक बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉपर लॉन्ज एरिया है, बैक में आपका प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया जो कि हमारा विद प्रॉपर टफ एंड ग्लास के साथ अच्छा काम किया गया है हमारा मैश विंडो का, तो बहुत ही शानदार हमारा यहाँ पे भी बैक कोर्टयार्ड एरियाज हैं, तो आप देखिए इसके एरियाज को।
पे एक प्रॉपर अलग से एरिया है, जो लॉन्ज एरिया है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओपन टू स्काई एरिया है, और यहाँ पे आपका प्रॉपर लॉन्ज एरिया, तो बहुत ही शानदार लॉन्ज एरिया के साथ आपको एज इट इज मिल सकता है, तो अमेजिंग वर्क। हमारा बेडरूम जिसके अंदर दो साइड से आपके लॉन्जेस नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपका मेन एरिया से इसके साथ ही आया था हमारा एक अटैच्ड एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपके प्रॉपर सारे के सारे वार्डरोब एरिया, प्रॉपर वार्डरोब्स हैं, सारी की सारी वार्डरोब्स आपको, मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपका प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, तो बहुत ही शानदार व्यूज़। अटैच वॉशरूम जो कि हमने टफ एंड ग्लास के लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया और डार्क ब्राउन टाइलिंग का, और इसके अंदर टफ एंड ग्लास के साथ ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल है, प्रॉपर वैनिटीज जो इन बिल्ट हाउस है, प्रॉपर नॉर्मल सीलिंग डिजाइन है, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज, तो बहुत ही शानदार हमारा ये वॉशरूम है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 8x8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम आप देखिए। घर अभी तक कैसा लग रहा है ज़रूर, और कैसा इंटरेस्टिंग फैक्टर लग रहा है क्योंकि ये एक आइलैंड टाइप ऑफ होम है प्रॉपर, तो ज़रूर हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसकी बेस्ट पार्ट अभी आनी और भी बाकी हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉपर एरियाज़ हैं जहाँ पर अच्छा काम किया गया हमारा ओपन टू स्काई ल्यूवर्स का, तो बहुत ही शानदार। और ये फ्रंट एलिवेशन के सामने हमारा प्रॉपर एक गार्डन एरिया मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे भी आप बैठ के, तो बैठने की तो स्पेसिस की कमी नहीं है, आपकी बैक में भी मैंने कोर्टयार्ड दिखाया जहाँ पे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, फ्रंट में भी एरियाज हैं, और आराम से आप 400 गज का घर प्राइम लोकेशन न्यू पंचकूला के अंदर आप देखिए इसके एरियाज को। इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार बेडरूम है, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15x20 का बहुत ही शानदार कमरा है, इसमें भी अच्छा सीलिंग डिज़ाइन है, प्रॉपर वाइट कलर के अच्छा अमलगमेट कर रहा है हमारे बेडरूम के बैक कुशनिंग एरियाज को, यहाँ पर भी वाइट कलर का अच्छा LED TV डिज़ाइन है, तो बहुत ही शानदार हमारा बेडरूम है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और एरियाज़ बहुत ज़्यादा है अभी भी दिखाने का, और यहाँ पर भी अच्छा कोर्टयार्ड एरियाज़ है जो कि फ्रंट एरियाज़ है, फ्रंट बालकनी एरिया जो कि हमारी फ्रंट एलिवेशन के सामने दिख रहा था, प्रॉपर गार्डन एरिया मेंटेन्ड, तो ग्रीनरी का सारा कुछ ख्याल, जो भी चीज़ें इस घर के अंदर आपको दिख रही हैं वो एज इट इज़ मिलेगी। और ये प्रॉपर वाइट कलर में अच्छा काम किया गया जो हमारी फ्रंट एलिवेशन में दिख रहा था, उधर टाइलिंग का काम है, ये वाइट कलर का अच्छा काम है प्रॉपर UPVC विंडोज़ के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर भी एरियाज़ में बड़े हैं जहाँ पर आपके प्रॉपर लॉन्ज एरिया, बेसिकली आप बैठ सकते हैं सिटिंग, यहाँ पे बहुत ही शानदार हमारा वॉशरूम एरिया है जहाँ के हमने टफ एंड ग्लास के साथ ये हमारा ड्राई और वेट एरियाज, और यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब्स, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिल सकता है, आप देखिए। टॉप फ्लोर की तरफ जो कि और भी शानदार है, अब मैं लिफ्ट को ना यूज़ करते हुए स्टेयर्स को यूज़ करता हूँ, अब यहाँ पे चलेंगे इसकी टॉप फ्लोर की तरफ। टॉप फ्लोर की तरफ देखिए कितना अमेजिंग हमारा यहाँ पे शैंडलर डिज़ाइन है जो कि हमारी मतलब ग्राउंड से भी दिख रहा था, तो ट्रायंगल शेप में जैसे वो आइलैंड टाइप में चीज़ें थी, तो उस तरीके के बहुत ही शानदार इसमें वुडन ल्यूवर्स का काम है, यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है, तो मतलब वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं इसको डिस्क्राइब करते थे। इसके साथ ही छोटा सा हमारा कॉमन वॉशरूम है जो कि टॉप फ्लोर पे आपको एज इट इज़ मिल सकता है, इसके साथ एक एरियाज़ बना रखे हैं जहाँ पे आपके हमने वॉशिंग एरिया है जो कि प्रॉपर वॉशिंग एंड एरिया, और यहाँ पे इन्वर्टर एरिया, तो मतलब इन्वर्टर भी आपका यहाँ पे ही पड़ा है, और ये बेसिकली सोलर प्लांट लगा हुआ है इस घर के अंदर, तो आपका बिजली का बिल बिल्कुल ही ज़ीरो आता है, नेगेटिव आता है, और सोलर सिस्टम के साथ यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है प्रॉपर ल्यूवर्स का जो हमारी ग्राउंड फ्लोर पे दिख रही थी, तो बहुत ही शानदार यहाँ पे सारे के एसी के डक्ट्स, और यहाँ से भी आपका जो एरिया ओपन टू स्काई था वो यहाँ से दिख रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ यहाँ पे आपका ये सोलर प्लांट और पैन जो चिलर लगा हुआ है, तो प्रॉपर एरियाज हैं यहाँ पे ही डिफाइंड जो कि चिलर के साथ और यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। एक छोटा सा हमने मंदिर बनाया है, बिल्कुल ही अलग डिफाइंड एरिया में मंदिर है टॉप फ्लोर पे और अलग से एरिया में, जो कि
ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, तो बहुत ही शानदार वास्तु फ्रेंडली मंदिर। आपको ये 400 गज का हाउस डिजाइन विद पूल और बहुत ही शानदार लोकेशन न्यू पंचकूला के अंदर बहुत ही अमेजिंग लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी इस घर के अंदर। फ्रेंड्स, हमें इसी चीज से मोटिवेशन मिलता है कि आप नई नई चीजें हम आपके लिए लेके आए और बेस्ट लोकेशन और बेस्ट इंटीरियर के साथ लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर जो चैनल पर पहली बार है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।